हेलो एवरीवन आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैरिज फैमिली एंड किनशिप इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से देखेंगे तो सीधा आते हैं पहले टॉपिक पे दैट इज़ मैरिज कुछ डेफिनेशन है देख लेते हैं एडवर्ड वेस्टरमार्क जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो इनकी बुक है वहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि मैरिज इज़ मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल यानी मैरिज जो है वो ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है मेल और फीमेल के बीच में जो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है चलेगा लास्टिंग बियॉन्ड द मेयर एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन टिल आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोपोगेशन जो है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो गया यानी कि ये जो कनेक्शन है मेल और फीमेल का ये जो बर्थ होगा ऑफ स्प्रिंग का उसके बाद भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहेगा उसके बाद मेलिन स्काई जो है वो कहते हैं कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर प्रोडक्शन एंड मैंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन जबकि रॉबर्ट लो जो है वो मैरिज को डिफाइन करते हैं एज परमानेंट बिटवीन परमिसेबल मेट्स परमिसेबल से नहीं ये जो रिलेशनशिप है मैरिज का ये अगर हम देखें तो सोसाइटी इसको जो है परमिट करती है सोसाइटी के अंदर ये रिकोगनाइजेबल है और आप ये कह सकते हो कि सोसाइटी ने इसको क्या किया है अप्रूव किया है इस रिलेशनशिप को उसके बाद अगर हम ये वाली डेफिनेशन देखते हैं तो ऑलमोस्ट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो मैरिज क्या है ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मेन और वीमेन उनको एडमिट किया जाता है फैमिली लाइफ के अंदर लेजिटिमेटिंग ऑफ स्प्रिंग यानी अब मैरिज है तो जो प्रोडक्शन है ऑफ स्प्रिंग की बर्थ है ऑफ स्प्रिंग का वो लेजिटिमेट होगा अब क्योंकि जैसे हमने कहा कि सोशली जो है इसको रेकोगनाइज़ किया गया है तो उसके बाद और क्या होगा कि मैरिज इस्टेब्लिश करेगा अदर राइट्स एंड ओब्लीगेशन यानी जो बाकी हकूक़ हैं ड्यूटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ हैं किसकी हस्बैंड की वाइफ की और चिल्ड्रन की उनको क्या करेगा मैरिज इस्टबलिश करेगा कि वो क्या क्या उनके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अब ये कुछ करेक्ट्रिस्टिक है मैरिज के फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सलिटी के मोर आर लेस जो मैरिज है ये यूनिवर्सल है दूसरा एज वी नो कि मैरिज क्या है कि ये यूनियन है मेल और फीमेल का बीच में सो so रिलेशनशिप है उनका थर्ड वन इज़ मैरिज बॉन्ड इज़ इंड्यूरिंग जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में बात की थी कि जो मैरिज है वो क्या है इन मीन्स लॉन्ग लास्टिंग के काफ़ी जो है लंबे टाइम तक चलेगी नेक्स्ट वन इज़ मैरिज रिक्वायर्स सोशल अप्रूवल अब ऐसा है कि जो ये रिलेशनशिप है मैरिज का ये जो बॉन्ड होगा यानी जिसको हम मैरिटल बॉन्ड बोलते हैं ये तभी माना जाएगा जब सोसाइटी इसको क्या करेगी अप्रूव करेगी तो उसके बाद नेक्स्ट है कि मैरिज इज़ एसोसिएटेड विद रिलीजियस और सिविल सेरेमनी अब ऐसा है कि जब शादी होती है तो देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ सेरेमनी जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट कस्टम्स होते हैं जैसे अगर हम बात करें जो सेरेमनी होगी वहाँ पर उसके कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं कस्टम्स होते हैं राइट्स होते हैं जो कि एक आप कह सकते हो कि फ़ंक्शन वगैरह होगा जहाँ पर लोग होंगे तो ये हो गया सेरेमनी और दूसरा जो है ये रिलीजन के साथ भी एसोसिएट है इवन अगर हम देखें तो बहुत सारे रिलीजन में जो मैरिज है उसको इंपॉटेंट माना गया है टू कम्प्लीट वंस रिलीजन और उसके बाद लास्ट है कि मैरिज क्या करती है इट क्रिएट्स म्यूचुअल ओब्लीगेशन यानी जब मैरिज है तो ये क्या करेगी कि जो मान लो कि हस्बैंड है वाइफ़ है या जो चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको इम्पोज़ करेगी और जो हस्बैंड वाइफ हैं एज़ वेल एज़ जो चिल्ड्रन हैं वो क्या करेंगे कि एक दूसरे को वो सपोर्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ मैरिज तो यहाँ पर दो टाइप्स की मैरिज हैं वन इज़ मोनोगैमी अदर वन इज़ पोलीगैमी जैसे अगर हम टर्म देखें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और गैमी जो है इट स्टैंड फॉर मैरिज तो जो पोलीगैमी है पोली का मतलब मैनी एंड गैमी स्टैंड फॉर मैरिज तो मोनोगैमी क्या हो गया मोनो जैसे सिंगल हो गया तो मोनोगी वो फॉर्म है मैरिज की जहाँ पर जो मेन और वुमेन जो मैन है या वुमेन इट इज़ मैरिड टू आनली वन मैन आर वुमेन एट अ टाइम यानी एक टाइम के ऊपर एक ही शादी जो है वो उसने की है एक ही मेट होगा उसका तो दैट इज़ मोनोगी और अगर एक से ज़्यादा मेट होंगे तो उसको हम बोलेंगे पोलीगैमी यानी कि एक वुमेन या मैन जो है वो एक या एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड के साथ जो है एक टाइम में रह रहा है इसकी दो टाइप्स हैं पोलीगैमी की वन इज़ पोली गाइनी एंड अदर वाइनिज पोली एंड्री यहाँ पर आप सिंपल टर्म देखेंगे जैसे गायनी जो टर्म है इसका मतलब होता है वुमेन या फीमेल तो गायनी का मतलब हो गया फीमेल तो पोली का मतलब होता है मैनी तो पोली गाइनी लिटरल मीनिंग इसका क्या हो गया कि मैनी वीमेन तो ये वो फॉर्म है मैरिज की जहाँ पर मैन जो है इट इज़ मैरिड टू मैनी वीमेन मैनी वीमेन यानी मोर देन वन वन वुमेन एक से ज़्यादा जो औरत है उसके साथ शादी की है तो दैट इज़ पोली गाइनी ये दो टाइप्स की होती है सरोल पोली गाइनी एंड नॉन सरो पोली गाइनी जो है ये आप टर्म देखेंगे तो ये लैटिन वर्ड सरो जो है इसका मतलब होता है सिस्टर तो ये वो टाइप है मैरिज की जहाँ पर जो वाइफ्स होंगी वो क्या होंगी आपस में सिस्टर्स होंगी तो उसको सरोल पोली बोलेंगे और अगर वो आपस में जो वाइफ्स हैं वो सिस्टर्स नहीं हैं तो उसको नॉन सरोल पोलीगनी कहा जाएगा सिंपल है और अगर हम पोली एंड्री देखें तो पोली का मतलब जैसे मैनी और एंड्री का मतलब होता है मेल तो मैनी मेल तो यहाँ पर ये यह क्या होगा वो फॉर्म है जहाँ पर जो वुमेन है इट इज़ मैरिड टू मोर देन वन मैन और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी भी जो है हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं जैसे यहाँ पर उत्तराचल की एक ट्राइब है ख़ास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वुमेन जो है वो क्या करती हैं दे मैरी मैन हु आर ब्रदर्स तो यानी कि जो वीमेन है वो जो ब्रदर्स हैं उनके साथ शादी करेगी तो इस तरह की जो पोली एंट्री है उसको कहा जाता है फ्रैटरनल पोली एंट्री और अगर हम देखें कि अगर जो शादी की है वीमेन ने जिनके साथ वो अगर आपस में ब्रदर्स नहीं हैं तो उसको कहा जाता है नॉन फ्रैटरनल पोली एंट्री जो कि हमें नायर्स ऑफ़ केरला ये एक ट्राइब है केरला में वहाँ पर देखने को मिलता है उसके बाद नेक्स्ट आए रूल्स ऑफ स्पाउस सिलेक्शन स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ़ जो है उसको जो चुना जाता है उसके लिए कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स वगैरह होते हैं कुछ प्रोहिबिटरी हैं यानी कि वहाँ पर उनको अलाउड नहीं है तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वन इज़ इंसिस टैबू इंसिस्ट हो गया जो ब्लड रिलेशन होते हैं यानी पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड टाइज या हु बिलोंग टू द सेम न्यूक्लियर फैमिली आगे हम देखेंगे फैमिली का भी uh, तो ऐसा है कि जैसे आप सिंपली ये कह सकते हो कि क्या बोलते हैं कि सिस्टर ब्रदर हो गया या मदर एंड सन हो गया तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है दैट इज़ प्रोहिबिटेड तो दैट इज़ इंसिस्ट उसके बाद तो इज़ एक्जोकैमी तो एग्ज़ोगी क्या होगा इट इज़ अ कस्टम विच रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी आउटसाइड द स्पेसिफिक ग्रुप के जो इंडिविजुअल है वो शादी कहाँ पर करेगा ग्रुप के बाहर यहाँ पर जो है इसकी कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर जो कि एक तो आ गई गोत्रा एग्जोगेमी ये जो है हिंदू रिलीजन के अंदर जो है गोत्रा जो है सब ट्राइब टाइप होता है तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन है इट इज़ इम्पोज यानी सेम गोत्र है तो शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये माना जाता है कि जो सेम गोत्र है दे आर हैविंग सिमिलर ब्लड इसी तरह से परवर एग्ज़ोगी परवर जो है आ, ये वो लोग होंगे हु अटर नेम ऑफ कॉमन सेंड यानी इनका जो गुरु है वो सेम होगा तो वहाँ पर भी जो है फारबिडन है इसके अलावा विलेज एग्ज़ोगी यानी कि ये आ, अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन हमें ये कुछ ट्राइब्स हैं नैगो गैरो मंडा और कुछ मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर ये छोटा नागपुर की ट्राइब्स हैं वहाँ पर देखने को मिलती है एंड पिंड एक्जोगी पिंड का मतलब हो गया कॉमन पेरेंटेज यानी अगर डिसेंडेंस जो है वो सेम है तो आ, इसमें ऐसा माना जाता है कि आफ्टरिंग फ्राम फाइव मैटरनल अगर यानी माँ मा की तरफ से देखा जाए तो जो पीछे की पाँच पीढ़ियाँ हैं और अगर फादर की तरफ़ से देखा जाए तो जो पीछे की सात पीढ़ियाँ हैं तो उनके बीच में जो है शादी जो है वो नहीं हो सकती पिंडा या इसको स्पिंडा भी कहा जाता है देन एंडोगेमी एंडोगैमी जो है वो विद इन ग्रुप हो जाएगा तो एंडोगैमी कस्टम दैट रिक्वायर मैरिज विद इन वन ग्रुप यानी ये अपने ग्रुप के अंदर ही जो है वो मैरिज की जाएगी तो यहाँ पर जो ग्रुप है वो किसी की ट्राइब हो सकती है या कास्ट या रिलीजन की बात हो सकती है देन दो और टर्म्स हैं यहाँ पर मानी हाइपर गैमी हाइपर गैमी हो गया सोशल कस्टम जिसमें जो बॉय है वो अपर कास्ट का होगा और जो गर्ल है वो लोअर कास्ट की होगी और हाइपो गैमी इसी का अपोज़िट हो जाएगा कि बॉय जो है वो लोअर कास्ट का जो है वो शादी कर रहा है किसी गर्ल फ्राम हायर कास्ट तो सिंपल है ये बस ये कुछ टर्म्स हैं इनको आप ध्यान रखोगे उसके अलावा कुछ प्रेफरेंशियल रूल्स हैं मैरिज के लिए जिनको प्रेफर किया जाता है जैसे कि पहला आ गया पैरेलल कज़न मैरिज पैरेलल कज़न मैरिज हो गया यानी सिंपल आप कहोगे कि जहाँ पर जो शादी है वो किसके बीच में हो रही है आइदर ऑफ टू ब्रदर्स दर टू सिस्टर्स यानी दो भाई हैं या कह लो बहनें हैं उनके आगे जो बच्चे हैं उनकी आपस में शादी तो दैट इज़ पैरल कज़न मैरिज और अगर क्रॉस कज़न मैरिज देखा जाए तो ये सिंपल हो गया जैसे मैटरनल अंकल्स डाटर यानी आप सिंपल कह लो कि जो मामू की लड़की हो गई या चाचू की लड़की हो गई तो वो क्रॉस कज़न मैरिज के अंदर आ जाएगा uh, उसके अलावा दो और ये टर्म्स हैं लेवीरेट लेवीरेट क्या हो गया कस्टम इन विच विडो मैरिज हर हज हजबेंड्स ब्रदर जो विडो uh, है यानी जो uh, औरत है उसका जब जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद वो जो हस्बैंड का भाई है उसके साथ शादी करेगी तो ये uh, जो है लेविरेट कहलाता है दिस इज़ प्रेवलेंट अमंग टोडा जो ये एक ट्राइप है नीलगिरी हिल्स वहाँ पर देखने को मिलता है देन सोरोट सरोट जो है इट इज़ कस्टम जिसमें विडोवर जो है वो uh, शादी करेगा जो सिस्टर होगी वाइफ़ की उसके साथ ये हमें देखने को मिलती है गोंड या बेगा जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर देन फंक्शन ऑफ़ मैरिज फर्स्ट वन इज सेटिस्फ़ैक्शन ऑफ़ सेक्स एंड प्रो क्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन यानी कि यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो माना जाता है उसके बाद इकनॉमिक कापरेशन वगैरह होगा और इमोशनल सपोर्ट वगैरह तो ये फ़ंक्शन है आप देख लेंगे उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं हिंदू मैरिज के हिंदू सोसाइटी में मैरिज को जो है इम्पॉर्टेंट संस्कार माना जाता है हिंदू मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट तो ये यह यहाँ पर ये यह पॉइंट आप याद रखेंगे कि सेक्रामेंट है यानी कि जो मैरिज है इसको पाक माना जाता है कि जो पर्सन या इंडिविजुअल है उसको शादी क्या कर देगी प्योरीफाई करती है तो इसको रिलीजियस ड्यूटी माना जाता है विच इज़ कॉल्ड एज धर्मा यानी इट इज़ धर्मा इन हिंदू रिलीजन टू गेट मैरिड Uh, इसके थ्रू ये माना जाता है कि यानी जो इंडिविजुअल uh, है उसकी लाइफ के दो स्टेजेस होते हैं पहला स्टेज है जो उसको कहा जाता है ब्रह्मचार्य आश्रम और जब वो शादी करेगा दूसरी स्टेज में आएगा विच इज़ कॉल्ड एज़ गृहस्था आश्रम uh, उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं हिंदू मैरिज के फर्स्ट वन इज़ धर्मा जैसे हमने कहा धर्मा हो गया कि वो uh, जो है शादी करना जैसे इट इज़ रिलीजियस ड्यूटी सेकेंड वन इज़ प्रजा प्रजा का मतलब हो गया गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज रती रती है सेक्स सेटिस्फेक्शन उसके बाद ये कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं जो हिंदू मैरिज की जो पहले थी ट्रेडिशनल यहाँ पर ये आर्ट फॉर्म्स हैं इनको आप थोड़ा देख लोगे जैसे ब्रह्मा मैरिज में जो फादर है वो अपनी जो डाटर है उसकी शादी किसी लर्न मैन यानी जो गुड कैरेक्टर का है कोई इंडिविजुअल उसके साथ कराएगा देव्या मैरिज जो है यहाँ पर फादर गिफ्ट इज डाटर टू ब्राह्मण ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ जो है शादी कराएगा अर्शा मैरिज में जो ग्रूम है दूल्हा वो क्या करेगा कुछ गिफ्ट देता है जो जैसे कि काउज़ या बुल्स जो शादी से पहले जो है उसके अलावा यहाँ पर जो है प्रजापतिया मैरिज जहाँ पर फादर गिफ्ट्स इज़ टू अ मेन आफ्टर प्रॉपर नेगोशिएशन विद हिज़ पेरेंट्स पेरेंट्स के साथ बात करने के बाद देगा देन इस तरह से ये डिफ्रेंस हैं ये आप देख लेंगे अगर हर एक के ऊपर बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा लेक्चर मुस्लिम मैरिज यहाँ पर uh, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे मुस्लिम मैरिज या जिसको हम निकाह बोलते हैं इसको एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड एंड वुमेन माना जाता है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इट इज़ एसोसिएटेड विद रिलीजन के uh, जो अगर शादी नहीं करेगा तो इट इज़ कंसिडर्ड एज सिंफुल तो मुस्लिम मैरिज इट इज़ सोलम इन द ऑफ विटनेसेस यानी दो गवाह होते हैं शादी के लिए और यहाँ पर जो मौलवी रिसाइट्स होली हिम्स रामिनी कुरान से कुछ आयत जो है वो पढ़ी जाती हैं और यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम जो है उनका भी आपस में कंजेंट जो है वो मर्जी जो है वो पूछी जाती है एंड आल्सो हजबैंड जो है वो कुछ मेहर जो है वो वाइफ को जो है वो यहाँ पर अदा करता है तो ये कुछ और एक दो टर्म्स हैं ये आप जो है रिचुअल्स वगैरह वो आलमोस्ट सभी जानते हैं तो इतना मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है ये है कि कुछ एक्ट्स वगैरह हैं वो मे भी अगर पूछे जाएं तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे या उनको हम जब एम करेंगे तो वहाँ पर उसको कवर कर लेंगे जैसे मान लो कि कुछ मैरिज के रिलेटेड एक्ट्स हैं वो आ जाते हैं तो वो आप थोड़ा देख लेंगे एक दो और टर्म्स हैं यहाँ पर डाइवोर्स के रिलेटेड ही हैं कि वाइफ कैन आल्सो अपटेंड डाइव यानी वाइफ भी डाइवोर्स ले सकती है हस्बैंड से और अगर ऐसा वो करती है तो उस तरह का जो डाइवोर्स है उसको खुला कहा जाता है इसी तरह से अगर वाइफ हस्बैंड म्यूचुअली अगर वो एग्री करते हैं तो उसको मुबारक कहा जाता है कुछ टर्म्स हैं दैन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैमिली तो यहाँ पर हम देखते हैं देखें अगर वर्ड फैमिली तो ये लिया गया है रोमन वर्ड फैम्यूलस से जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऐसा है कि रोमन लॉ में जो ये वर्ड uh, है ये फैमिली इट इज़ डिनोटेड टू द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर स्लेव्स एंड अदर सर्वेंट इसलिए तो बट बस इसमें बस इतना याद रखना है कि रोमन वर्ड फेम्योल से लिया है और कुछ नहीं है इसमें डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं कि फैमिली क्या है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ़ मैरिज ब्लड और एडापशन यानी फैमिली क्या है ये ग्रुप है लोगों का जो कैसे जुड़ा हुआ है टाइज ऑफ़ मैरिज उसके अलावा ब्लड रिलेशन हो सकता है या एडॉप्शन जैसे हम देखते हैं कई बार जो है चिल्ड्रन या कोई इस तरह से अडाप्ट किया जाता है वो इसमें आ जाएगा कॉन्स्टि गा कॉन्स्टिट्यूटिंग सिंगल हाउस होल्ड यानी ये सब मिल करके एक ही घर बनाएंगे एक ही जगह रहेंगे इंटरेक्ट करेंगे आपस में कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे के साथ और इनका अपना एक सोशल रोल होगा किसका हस्बैंड वाइफ का फादर मदर सन डाटर ये तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे ये बर्गस और लोकी ने अपनी जो बुक है द फैमिली वहाँ पर ये डेफिनेशन दी है उसके अलावा जो निमकॉफ है वो कहते हैं कि फैमिली इज़ मोर आर लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद आर विदाउट चिल्ड्रन यानी कि ये किसका एसोसिएशन है उन्होंने कहा हस्बैंड और वाइफ का मोर आर लेस ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग होगा जो कि विद चिल्ड्रन या विदाउट चिल्ड्रन हो सकता है उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बाकी डेफिनेशन देखें तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हुज़ रिलेशन टू वन वन अदर आर बेस्ड अपॉन कंसंग्विटी कंसंग्विटी हो गया ब्लड रिलेशन यानी कि फैमिली के अंदर जो पर्सन होंगे उनका रिलेशन जो है वो क्या होगा ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस होगा और जिनका ब्लड रिलेशन हो उनको हम किन बोलते हैं तो यही उनसे बोला एंड देर फॉर किन टू वन एंड अदर डैविस की डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट सभी में इसी तरह की डेफिनेशन है उतना नहीं देखेंगे सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फैमिली की स्टडी ऑफ़ फैमिली सिग्निफिकेंट क्यों सिग्निफिकेंट है ज़रूरी है बिकॉज इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज कार्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन ये भी आप याद रख सकते हैं कि किसको कार्नर स्टोन कहा जाता है तो फैमिली इसको हम कार्नर स्टोन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बोलते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन सोसाइटी में कैसे बाय बाइंडिंग मैन वीमेन एंड देयर चिल्ड्रन इन अ स्टेबल रिलेशनशिप क्योंकि सभी को जोड़ के रख रही है मैन वीमेन चिल्ड्रन को एक स्टेबल रिलेशनशिप के अंदर इसको नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर भी कहा जाता है बिकॉज द मैनर इन विच चिल्ड्रन आर ब्राट अप इन अ फैमिली डिसाइड टू अ ग्रेट एक्सटेंट क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी तरबियत जो है वो फैमिली करेगी किस तरह से उनकी तरबियत की है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ जो है वो मैटर करती है तो वही यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर भी वो कल्चर की बात की गई है कि बच्चों को किस तरह से ब्राटअप किया कल्चर आगे जाएगा आ, और यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आ, कि दो तरह की जो है फैमिली हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं कि एडल्ट पर्सन इज़ पार्ट ऑफ़ टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ फैमिली इन विच वन इज़ बोर्न जिसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ़ ओरिएंटेशन यानी जहाँ पर उसका जन्म हुआ है पैदा हुआ जिस फैमिली में वो उसको कहा जाएगा फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और दूसरा आ जाता है हमारे पास फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन ये कौन सी फैमिली है इन विच अ पर्सन सेटअप आफ्टर मैरिज यानी ये वो फैमिली है जो उसने बसाई कब शादी होने के बाद तो उसको बोलेंगे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन तो दो टर्म्स हैं इनको आप याद रखेंगे करैक्टरिस्टिक हैं कुछ फैमिली के सिंपल uh, है ये भी uh, जैसे हमने कहा था पहला यूनिवर्सल है ठीक है इमोशनल बेसिस होती है फैमिली में के मेंबर जो हैं इमोशनली एक दूसरे के बाउंड होते हैं uh, और उसके बाद लिमिटेड साइज़ यानी जो फैमिली है उसका साइज़ लिमिटेड होगा बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होगा बेसिकली uh, इसमें हस्बैंड फैमिली सॉरी हस्बैंड वाइफ और अनमेरिड चिल्ड्रन या आगे हम फैमिली की टाइप्स भी देखेंगे वो चीज़ें आ जाएंगी न्यूक्लियर पोजिशन इन सोशल स्ट्रक्चर के फैमिली इज रिगार्डेड एज बेसिक तो ये बस आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे कि फैमिली जो है इट इज़ द बेसिक आप कह सकते हो कि जो यूनिट है सोसाइटी की बेसिक यूनिट है सोसाइटी की न्यूक्लियर आर फंडामेंटल टू ऑल सोशल ग्रुप तो ये पूछा जा सकता है बेसिक यूनिट कौन सी है इसी तरह से सोशल रेगुलेशन के फैमिली जो है वो कुछ नॉर्म्स होंगे कुछ आप कह सकते हो कस्टम्स वगैरह होंगे कुछ रूल्स होंगे रेगुलेशन होंगे जिसके ऊपर रन करेगी वही बात यहाँ की गई है और फैमिली जो है इसका जो स्टेटस है वो परमानेंट और टम्प्रेरी हो सकता है जैसे फैमिली इंस्टीट्यूशन इज़ इंड्यूरिंग यानी फैमिली इंस्टीट्यूशन एक तो इंड्यूरिंग यानी लॉन्ग लास्टिंग है और यूनिवर्सल है लेकिन अगर हम इंडिविजुअल फैमिली की बात करें तो वो कब तक रहेगी जब तक कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ हैं तो वो बात यहाँ पर की गई है आ, उसके बाद यहाँ पर टाइप्स हैं फैमिली की जो कि डिफरेंट बेस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स जो है कैटेगराइज़ कर सकते हैं पहली जो टाइप है ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस ऑफ फैमिली कि कहाँ पर फैमिली रहती है तो यहाँ पर सबसे पहली टाइप आ जाती है मैट्री लोकल फैमिली मैट्री लोकल जो है ये कौन सी फैमिली है इन विच हस्बैंड गोज़ टू लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ जिसमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ़ के यानी यूजली हमें जो देखने को मिलता है कॉमन है वो है पैटरी लोकल जिसमें शादी के बाद जो लड़की है वो लड़के के घर आती है तो उसको हम पैटरी लोकल बोलते हैं तो मैट्री लोकल हो गया यानी शादी के बाद जो लड़का है वो लड़की के घर जा कर के रहता है तो वो मैट्री लोकल हो गया इसी तरह से न्यू लोकल न्यू लोकल क्या हो गया जब शादी हुई तो क्या होगा कपल दे सेटअपर न्यू होम इंडिपेंडेंट फ्राम आइदर पेरेंट्स यानी दोनों जो है वो क्या करेंगे कि अलग से आ करके रहेंगे दोनों पेरेंट्स के अलावा तो उस तरह की फैमिली न्यू लोकल हो गई उसके अलावा एक और तरह की फैमिली हमें देखने को मिलती है कुछ जो आस्ट्रेलियन ट्राइब्स हैं वहाँ पर जहाँ पर क्या होगा कि मेरिड कपल दे रिज़ाइड विद आर नीयर मैटरनल अंकल ऑफ ग्रूम जो लड़का है उसके जो मैटरनल अंकल हैं उनके साथ जा कर के वो रहता है तो ये वो वाली टाइप आ गई उसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो फैमिली का है उसके बेस के ऊपर हमारे पास दो या तीन ये टाइप्स आ जाती हैं फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गया सिंपल जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ और बच्चे आ जाते हैं तो वो आ गई न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या हो गई इट इज़ कम्पोज ऑफ ब्लड एंड मैरिटल रिलेटिव्स ऑफ थ्री आर मोर जनरेशन यानी तीन या उससे ज़्यादा जनरेशन जैसे कि मान लो कि बच्चे हैं पापा आ गए उनके देन दादा तो एटलीस्ट ये तीन और या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं तो वो आ गई कौन सी जॉइंट फैमिली उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली एक और हमारे पास ये आ जाता है जनरली एक्सटेंडेड फैमिली जो है ये क्या हो गया कि इज़ अ मर्जर ऑफ़ सेवरल न्यूक्लियर फैमिली बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिली मिल गई तो वो एक्सटेंडेड फैमिली बनाएंगे स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली मे इंक्लूडे एन ओल्ड मैन एंड इज़ वाइफ सन सनज वाइफ एंड सन्स चिल्ड्रन तो ये इसमें आ जाएंगे उसके बाद एनसिस्ट्री के बेस के ऊपर दो टाइप्स आ जाती हैं मेट्रीलिनियर एंड पेट्रीलिनियर एनसिस्ट्री यानी अगर हम देखें जो डिसेंट है उनका तो मेट्रीनियल में क्या होगा जैसे टर्म मैट्री मदर के लिए पैट्री जो है वो फादर के लिए होगी तो कहीं भी ये टर्म्स हैं आप उसको उस तरह से देख सकते हैं तो मैट्रीनियल क्या होगा इन दिस टाइप ऑफ फैमिली मदर इज़ द बेसिस ऑफ एनसेस्ट्री जो हम एनसेस्ट्री देखेंगे यानी डिसेंट वो मदर की तरफ से देखेंगे कि जो एनसेस्ट्री है उसकी वो कहाँ से थी अगर हम फादर की तरफ से देखते हैं तो उसको पैट्रीनि कहा जाएगा ज़्यादातर जो है वो फादर की तरफ से देखा जाता है सेकेंड uh, एक और हमारे पास टाइप आती है अदॉर्टी के बेस के ऊपर तो अथॉरिटी के बेस के ऊपर दो मेन टाइप्स हैं एक और भी एगिलटेरियन अभी हम बात करते हैं वन इज़ पैट्रियार्कल अदर वन इज़ मैट्रियार्कल पैट्री जैसे दोबारा टर्म है तो मतलब फ़ादर के रिलेटेड होगा तो मैट्री मदर के पैट्रियार्कल फैमिली कोई कौन सी होगी जहाँ पर जो हेड होगा फैमिली का वो कौन होगा मेल होगा या आप सिंपल uh, कह सकते हो हस्बैंड वग़ैरह वो होगा तो अगर मेल है तो वहाँ पर हम बोलेंगे पेट्री आर्कल तो मैट्री आर्कल जो है उसमें क्या होगा जो हेड है वो आ, कौन होगी वो होगी तो ये जो है आ, इतना बस इसमें आप याद रखें ये इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं आ, तो एगलीटेरियन फैमिली वो होगी जहाँ पर दोनों ही इक्वल जो है वो एडार्टी शेयर करते हैं मेल एंड फीमेल या हस्बैंड वाइफ तो उसको बोलेंगे एग्लीटे उसके बाद ब्लड रिलेशनशिप के बेस के ऊपर भी दो टाइप्स हो सकती हैं कंजुगल और कंसेंगुस जैसे हमने कहा था कंसेंगुस जो है वो होता है ब्लड रिलेटिव्स जो आ, ब्लड रिलेटिव है उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं और कंजुगल में क्या हो गया कॉन्सिट ऑफ स्पाउजिज़ यानी कि हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे और रिलेटिव्स भी इसमें आ जाएंगे तो वो हो गया आ, देन देर आर सम फंक्शंस ऑफ फैमिली ज़्यादा कुछ नहीं है तीन तरह चार तरह के यहाँ फंक्शंस हैं बायोलॉजिकल फंक्शन जो है उसमें एक तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर की आ, का आ जाता है कि उसका फुलफिलमेंट होगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन और देन जो फिज़िकल प्रोटेक्शन देनी है अपने मेंबर्स को Uh, तो ये बायोलॉजिकल फंक्शन है उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शन होगा कि फैमिली क्योंकि इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करेगी फ़ूड शेल्टर क्लाथिंग प्रोवाइड करनी है उसके बाद सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन ये uh, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का कि वो अपने बच्चों की देखभाल करेगी उनको uh, जो है आगे सेटअप किया जाएगा कल्चर वगैरह जो है वो uh, तो ये इसमें आ जाता है ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है साइकोलॉजिकल फंक्शन क्योंकि साइकोलॉजिकली uh, अगर हम देखें तो क्योंकि ह्यूमन दे वांट लव एंड अफेक्शन तो ये वही बात की गई है अटेंशन केयर इमोशनल बेसिस इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो यहाँ पर आ गया तो लास्ट में जैसे ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है कि अपना टाइम देता है अपनी एनर्जी देगा अपना जो मनी है पैसा देगा किसको फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से वो हार्डवर्क करता है अपनी फैमिली के लिए और एक दिन इसी तरह से वो इस दुनिया से क्या होगा चला जाएगा लास्ट में आ जाता है जी किनशिप जो हमारा थर्ड टॉपिक है तो किनशिप क्या हो गया किनशिप सिस्टम रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन किनशिप इज़ ये भी यूनिवर्सल है और मोस्ट सोसाइटीज़ में कहता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है इस डेफिनेशन देख लेते हैं किनशिप क्या है किनशिप इज़ सिंपली द रिलेशन बिटवीन किन्स तो बोल रहा है कि किनशिप क्या है ये रिलेशन है किन्स के बीच में किंस क्या हो गए किन वो पर्सन है विच आर रिलेटेड विच आर रिलेटेड बाय रियल प्यूटेटिव और फिक्शनल कॉन्जिंगटी जैसे हमने कहा था कि कॉन्जिंगस हो गया मतलब कि जो ब्लड रिलेशन जो होते हैं उसके थ्रू रिलेटेड हो यानी ब्लड रिलेशन हो तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रिलेटेड हों या तो रियल यानी कि रियल रिलेशन होगा ब्लड का प्यूटेटिव हो गया जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि आ, कोई मान लो एडाप्टिड है या इस तरह से है बट माना जाता है वो रियल है मान लो कोई आ, जो है फैमिली किसी को रेज कर रही है बेटे को अपना मान के बट बाद में पता चले कि वो अपना नहीं था और फिक्टेटिव जो है वो रियल नहीं होगा बट सोशली ऐसा है कि मान लो आपने किसी को अपना लिया अपना इतना काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो वो आ, वैसे अगर हम सिंपल देखें तो किन जो है वो हम ब्लड रिलेशन के बेस के ऊपर भी बात करते हैं उसके बाद ये डेफिनेशन अगर हम दूसरी देखें तो सोशल रिलेशनशिप डिराइविंग फ्राम ब्लड टाइज तो यहाँ पर है कि सोशल रिलेशनशिप जो कहाँ से डिराइव हुए हैं नंबर एक ब्लड टाइज से एंड मैरिज दूसरा बोल रहा है मैरिज से यानी कि वो रिलेशन जो ब्लड के थ्रू हों या फिर शादी के थ्रू यानी जब शादी की जाएगी तो जो रिलेशन है जैसे वाइफ़ के साथ या वाइफ़ के आगे जो इन लॉज़ होंगे मान लो सिस्टर इन लॉ है ब्रदर इन लॉ है तो वहाँ से जो रिलेशन आए हैं तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे उनको हम कहाँ पर रखेंगे किनशिप के अंदर इसी तरह से बाकी डेफिनेशन हैं इनमें भी आलमोस्ट सेम तरह की डेफिनेशन है यहाँ पर भी कहता है कि सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑफ ब्लड और मैरिज के बॉन्ड ब्लड के थ्रू यानी जो ब्लड रिलेटिव्स होंगे या मैरिज के थ्रू जो रिलेटिव्स हैं विच बाइंड पीपल टूगेदर जो लोगों को आपस में जोड़ के रख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे किनशिप बोलेंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉबिन जो फॉक्स हैं उन्होंने कुछ चार प्रिंसिपल्स जो है उनकी बात की थी जिनको उस उन्होंने फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहा था कि जो कि गवर्न कर रहे हैं किनशिप को तो ये चार प्रिंसिपल आप ऐसे देख लेंगे कि वीमेन दे हैव चिल्ड्रन दूसरा उन्होंने कहा कि मेन इम वीमेन और मेन यूजली जो है एक्सरसाइज करेंगे कंट्रोल और प्राइमरी किन डू नॉट मेट विद ईच अदर ये उन्होंने कुछ बात की थी ये आ, बट यहाँ पर जो है हमारे पास ये दो टाइप्स आ जाती हैं किनशिप की बस आप यहाँ पर ये जो है याद रखेंगे वन इज़ कंसिंगवेनियस और इज़ एफिनल इस चीज़ जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिलेशनशिप जो ब्लड के ऊपर बेस हों वो ये आ गए और दूसरा यहाँ पर एफ़िनल कौन से हो गए काइंड ऑफ बॉन्ड विच राइजेज़ आउट ऑफ सोशली या लीगली डिफाइंड मैरिटल स्टेट जैसे अभी हमने बोला था एक ब्लड से रिलेशनशिप का है तो कंसिंगस हो गया और अगर ब्लड का रिलेशन नहीं है किसी दूसरे तरीके से मान लो सोसाइटी के अंदर किसी के साथ काफ़ी ज़्यादा बंदे का अगर इमोशनल अटैचमेंट हो या इतना वो उस दर तर, उस तरह क्लोज़ हो गया है या लीगल तरीके से जैसे मैरीज मैरिटल रिलेशनशिप हमने कहा था मैरिज के थ्रू भी जो रिलेशन में है जैसे वाइफ हो गया हो गई या उसके अलावा जो उसके इनलाज होंगे आप सारी उन, आपके इनलाज होंगे सिस्टर इनला मदर इनला हो गया या बाकी जो हैं तो वो भी यहां पर आ जाएंगे तो उनको हम एफिनल किन के आ, अंदर जो है कैटेगराइज करेंगे सिंपल है यानी यहां पर ब्लड रिलेशन के थ्रू था यहां पर अदर देन ब्लड रिलेशन आ गया तो ये दो टाइप्स आ जाएंगे किनशिप की उसके बाद रूल ऑफ डिसेंट क्या डिसेंट रेफर टू तो सोशल रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल तो रूल ऑफ़ डिसेंट रेफ़र टू सेट अप प्रिंसिपल बाय यानी कि जो इंडिविजुअल है अपना डिसेंट जो अपना यानी कि आप कह सकते हो कोई जनरेशन जो है देखेगा कि कहाँ से आया है डिसेंट उसका तो ये हमने पहले ऊपर भी बात की थी तो पैटरी जैसे जो टर्म है वो हमने कहा था कि वो फादर के लिए होगी मैट्री जो है मदर के लिए होगी तो पैटरी लीनियल डिसेंट क्या हो गया कि डिसेंट हम फादर के जो है थ्रू या मेल लाइन के थ्रू जो है देखेंगे और मेट्रोलिनियल में हम फीमेल लाइन के थ्रू देखेंगे ऊपर भी ये बात फैमिली में देखी तो वही सेम चीज़ है अगर हम दोनों की तरफ से देखें तो उसको बाई लेटर बोलेंगे बाई का मतलब टू होता है यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसके बाद ये टाइप्स दी गई हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी किन्स की तो ये नियरनेस या डिस्टेंस के बेस के ऊपर हम तीन में जो है डिवाइड कर रहे हैं किन्स को कि कौन कितना नज़दीक है सबसे पहले आ गया प्राइमरी किन्स प्राइमरी किन्स कौन से हो गए कहता है एवरी इंडिविजुअल हु बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली फाइंड्स हिज प्राइमरी किन्स विद द फैमिली यानी जो न्यूक्लियर फैमिली में होंगे यहाँ पर आठ तरह के प्राइमरी किन्स जो है उनका जिक्र किया जाता है एक तो हस्बैंड वाइफ हो गए फादर सन का रिलेशन हो गया मदर सन हो गया फादर डाटर मदर डाटर यंगर ब्रदर एल्डर ब्रदर यानी भाई जो हैं आपस में या भाई बहन वगैरह हो गए और ये वाले जो रिलेशन हैं ये आ जाएंगे प्राइमरी किन के अंदर उसके बाद आता है नेक्स्ट सेकेंडरी किन आउटसाइड द न्यूक्लियर फैमिली जैसे हमने कहा था कि ये प्राइमरी किन जो है ये न्यूक्लियर फैमिली के अंदर की बात करेंगे तो न्यूक्लियर फैमिली के बाहर कहता है इंडिविजुअल के तैतीस टाइप की सेकेंडरी रिलेशन हो सकते हैं जैसे कि मदर्स ब्रदर यानी कि मामू आपके हो गए ब्रदर्स वाइफ उसके अलावा सिस्टर्स हस्बैंड या इस तरह से ये एग्जांपल्स दी हैं देन आता है टर्शरी किन टर्शरी किन जो है ये क्या हो गए रेफर टू सेकेंडरी किन ऑफ अवर प्राइमरी किन्स यानी कि जो प्राइमरी किन्स थे उनके जो सेकेंडरी किन्स हैं तो वो टर्शरी में आ गए जैसे यहाँ पर आप बोलोगे वाइफ्स ब्रदर्स सन यानी कि वाइफ का जो भाई है उसका बेटा अगर हम वाइफ का भाई देखें तो इतना मान लो सेकेंडरी आ गया लेकिन उसका बेटा भी आ गए तो ये टर्शरी में आ गए इस तरह सिस्टर्स हस्बैंड्स ब्रदर तो ये इस तरह से आ गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने 151 टाइप्स के सेकेंडरी किन सारी टर्शरी किन्स की बात की है तो ये एक आप ये नंबर भी याद रख सकते हो मे भी पूछा जाए या एग्जांपल तो सिंपल है ये यहाँ पर आप जो है देखोगे तो यहाँ पर तीन मतलब हम रिलेशन से देख रहे हैं यहाँ पर दो का था तो ये सिंपल है आप यहाँ से सिंगल का था मतलब अपने समझने के लिए इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो देन देर आर सम ग्रुप्स किन ग्रुप्स लिनिएज फैमिली इज़ बाई बाईलेटरल जैसे हमने कहा था फैमिली तो बाईलेटरल बाईलेटरल का मतलब यानी कि माँ और फा फादर जो मदर और फादर हैं दोनों की तरफ से है तो बाईलेटरल लेकिन लीनिएज जब हम देखेंगे जैसे हमने कहा था डिसेंट देखेंगे तो वो हम यूजली एक ही तरफ से देखते हैं तो उसको यूनी लेटरल डिसेंट कहा गया है तो इट कंसिस्ट ऑफ आल द कंस्यूल ब्लड रिलेटिव हु क्लेम दे आर डिसेंट फ्राम नॉन कॉमन एंड यानी इसमें पूरी लिनीज आ जाएगी कि डिसेंट कहाँ से हुआ है तो मान लो वो फ़ादर की तरफ से देख रहे हैं या मदर की तरफ से देख रहे हैं तो यही यहाँ पर दोबारा वही बातें हैं उसी टाइप की जो हम ऊपर ऑलरेडी भी कर चुके हैं ये आप इसको थोड़ा पढ़ लेंगे क्लैन अब क्लैन क्या हो गया ये भी एक यूनिलेटरल डिसेंट ग्रुप है कहता है कि इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ़ किन हुज़ मेंबर्स बिलीव देम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एनसिस्टर कहता है कि इसमें क्या आ जाता है कि वो किन्स जिसके मेंबर्स जो है वो क्या मानते हैं कि वो किसी कॉमन डिसेंडेंट से आए हैं यानी सबका जो डिसेंडेंट है वो किसी कॉमन एंसेस्टर से हुआ है एक ही एनसेस्टर है बट एक्चुअल जो लिंक है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता जो कॉमन एनसेस्टर है वो ऑफन क्योंकि क्या हो सकता है कोई मिथिकल uh, फिगर हो सकती है जैसे मान लो कोई सेंट या ऋषि हो गया हिंदू uh, सोसाइटी के, के के, केस में या फिर कई बार ये कोई सुपर नेचुरल करेक्टर हो सकता है जैसे टाइगर फिश या इस तरह से कि वहाँ से ओरिजिनल हुआ है क्लन इज़ आल्सो नोन एज गोत्रा तो क्लैन को ही हिंदी के अंदर जो है हम गोत्रा बोलते हैं तो ये क्लें हो गया यानी कि ऐसे सिंपल uh, हम बोलेंगे मेम्बर्स जो मानते हैं कि हमारा जो डिसेंट uh, है वो किसी कॉमन एनसिसटर से हुआ है बट वो जो कामन एंसेस्टर है उसका इतना मान लो कि पता नहीं है वो एक मिथ है तो वो क्लेन हो गया तो अगर हम यहाँ पर दूसरा देखें तो वो लिनिएज हो गया जहाँ पर हम जो है बात करते हैं कि जो कामन डिसेंट क्या होगा सिंपल उसको लिनिएज कहते थे उसके बाद फ्रेटरी जो है वो क्या है ये भी यूनी डिसेंट ग्रुप है बट इट इज़ कंपोज ऑफ टू आर मोर क्लेंस यानी दो या उससे ज़्यादा क्लेन जो है अगर उनको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो तब उसको हम फ्रेटरी बोलेंगे बाकी हम ऊपर क्लेन की बात कर चुके हैं तो दो या दो से ज़्यादा क्लेन को जब हमने इंटर रिलेट कर दिया ये उसके बाद मोइटी क्या है इट इज़ अ लार्ज सोशल ग्रुप दैट रिजल्ट फ्राम लीटिंग ऑफ सोसाइटी इंटू टू यानी एक ये क्या था मोइटी एक बड़ा सारा ग्रुप था कोई मान लो और वो क्या हो गया दो में डिवाइड हो गया इक्वल या अन एकवल हाफ्स में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट डिसेंट के बेस के ऊपर तो अब जो दो इसके हाफ्स बने उन दोनों को आप हम क्या बोलेंगे मोइटी तो ये हो गया यहाँ पर लास्ट में जैसे दिया गया है कि ईच मोइटीज़ सब डिवाइडेड डिवाइड नंबर ऑफ़ फ्रैक्टरीज़ तो उसको आगे फ्रैक्टरीज़ के अंदर डिवाइड किया जा सकता है ये कुछ एग्जाम्पल दी गई है आ, लास्ट में ये कुछ किनशिप बिहेवियर है इसको अगर हम देखें तो एक तो जोकिंग रिलेशनशिप यानी जो आपस में किन्नस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मजाक वगैरह करेंगे तो वही आ गया टेक्नोलॉमी ये क्या हो गया कि यूजली uh, जैसे हमें देखने को मिलता है कि जब वाइफ अपने हस्बैंड को uh, का यूजली नाम नहीं लेती तो वो जैसे मान लो uh, कोई और नाम लेके उसको एड्रेस करेगी जैसे मान लो बोलेगी कोई बच्चा है मान लो तो छोटू के पापा या इस तरह से तो वो uh, जो है वो हो गया टेक्नोनॉमी देन यहाँ पर एक और टर्म है एव्यूनकुलेट ये क्या है इट इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर आर यूज विच गिव्स द मैटरनल अंकल एंड इम्पॉर्टेंट स्टेटस सो फार एसिसज सिस्टर्स चिल्ड्रन आर कंसर्न तो मैटरनल अंकल मैटरनल अंकल कौन हो गए यानी मामा उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है तो वही हो गया इसमें ये थोड़ा आप देख लेंगे इमिटेट इमिटेट हो गया कि यहाँ पर जो बिहेव बिहेविच असाइन स्पेशल रोल टू वंस फादर्स सिस्टर जैसे यहाँ पर था जो इम्पॉर्टेंस है हमने कहा था कि मैटरनल अंकल को दी जाती है वो जो है टेक केयर करेंगे इवन ब्राट अप करेंगे या सब कुछ तो ये मामू कर रहे थे तो यहाँ पर क्या होगा फादर सिस्टर यानी जो फूफी हैं वो करेंगी तो बस ये डिफरेंस है दोनों में उसके बाद कोवेड ये किंचित बिहेवियर इन विच हस्बैंड इमिटेट्स यानी जब वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट या होगी या ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ जो हस्बैंड है वो वाइफ का जो बिहेवियर है वो उसको इमिटेट यानी नकल करेगा यानी काम वगैरह जो है वो उसके वो करेगा उसके बाद अवॉइडेंस अवॉइडेंस हो गया जैसे अवॉइड करना सिंपल जो मतलब है इसका ऐसे हम बोलते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो क्लोज़ रिलेशन इंट्रैक्शन है उसके ऊपर यानी मान लो जैसे बॉय और गर्ल जो हैं मान लो जो किनशिप के अंदर आते हैं कुछ बॉय गर्ल तो उनके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी कि ज़्यादा क्लोज़ इंट्रैक्ट नहीं कर सकते तो वही है उसके अलावा हम ये जो पूरा है आ, कुछ किनशिप ये यानी क्या हो गया कि ये जो पूरा हम कई बार शो करते हैं डायग्राम्स के थ्रू जैसे हम यहाँ थोड़ा देखें कुछ हम सिंबल्स यूज़ करते हैं जैसे इस टाइप का जो सिंबल है ये यूज़ किया जाता है फीमेल के लिए और इस तरह से जो ट्राइंगल टाइप है इस तरह से ट्राइंगल टाइप का जो सिम्बल है ये यूज़ किया जाता है मेल के लिए तो अगर हम इक्वल टू बीच में डाल देते हैं इसका मतलब हो गया मैरिज तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोई फ़ीमेल है ये मेल है इनकी आपस में शादी हुई है तो डिसेंट को दिखाने के लिए हम इस तरह से जो है यूज़ करते हैं ये वाली लाइंस इसका मतलब हो गया कि इनका आगे क्या हुआ है कि डिसेंट जा यानी कि इनकी शादी हुई मान लो तो यहाँ पर क्या हुआ इनको कोई मान लो बेटा हुआ जो कि क्या है फीमेल है तो इस तरह से हम ये जो है आगे दिखाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ सिम्बल्स हैं जो आप सिंपली याद रखोगे जैसे कि ये जो है फ़ीमेल के लिए ये ट्राइंगल सिंगल सिंबल जो है ये मेल के लिए इक्वल टू का मतलब क्या हो गया मैरिज और ये जो हम इस तरह से लाइन यूज़ कर रहे हैं ये डिसेंट दिखाने के लिए होती है सो मेन पॉइंट्स यहाँ पर हमने देख लिए हैं तो uh, यहाँ पर जो है लेक्चर से इतना ही थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग